I'll answer you. I'll answer you. You want to know my income? You want to know my income, right? कि मेरी इनकम पहले क्या थी आज क्या है? सर ये आपने यू स्ट्रेट यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन यू वांट आंसर किसका चाहिए आपने एक आप एक स्पीच देना चाहते थे सर तो आप पहले बोलते मैं मंच पे बुला लेती हूं दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल बात नहीं खत्म होनी चाहिए पूरी बात मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये किस लिए जानना चाहते हैं मेरी इनकम बताओ आई विल आंसर हिम प्रदीप राय जी को आई नो हिम वेरी वेल तो मैं इनके पर्सनल उस पे मैं आता हूं कार्यक्रम में और आपको इनकम जाननी है मेरी मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूं सो इफ यू हैव टू चेक माय बैलेंस शीट गो टू सीबीआई ऑफिस गो टू इनकम टैक्स ऑफिस एंड डोंट बुलशिट हियर भैया सवाल था कमाई का लेकिन अखिलेश यादव तो सीबीआई दफ्तर और ईडी से होते हुए बुलशिट यानी बकवास तक जा पहुंचे I'll answer you. You want to know my income? You want to know my income, right? कि मेरी इनकम पहले क्या थी आज क्या है? सर ये आपने you straight you ask the question. What question you want? Answer किसका चाहिए? आपने एक आप एक स्पीच देना चाहते थे सर तो आप पहले बोलते मैं मंच पे बुला लेती हूं. This is not a political. बात नहीं खत्म होनी चाहिए पूरी बात. मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये किस लिए जानना चाहते हैं मेरी इनकम बताओ. I'll answer him. प्रदीप राय जी को आई नो हिम वेरी वेल तो मैं इनके पर्सनल उस पे मैं आता हूँ कार्यक्रम में और आपको इनकम जाननी है मेरी मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूँ सो इफ यू हैव टू चेक माय बैलेंस शीट गो टू सीबीआई ऑफिस गो टू इनकम टैक्स ऑफिस एंड डोंट बुलशिट हियर दरअसल अखिलेश यादव एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे इस दौरान अन्य पार्टियों के भी नेता मौजूद थे उनके बगल में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी नजर आ रहे हैं लेकिन इन सब के बीच ऑडियंस से किसी ने तपाक से अखिलेश यादव पर सवाल डाला जिसे सुनकर अखिलेश पहले तो चौंके फिर भड़क गए आपने बहुत सारे मुद्दे करे मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न दूं मैं बहुत बढ़िया मेरा सवाल एक ही है आपसे आपने कहा देश का ये हाल है युवा का ये हाल है एजुकेशन है नहीं आजादी के बाद होनी चाहिए थी आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है आई थिंक इट इज मल्टीपल फोल्ड राइट आई विल आंसर यू यू वांट टू नो माय इनकम राइट कि मेरी इनकम पहले क्या थी आज क्या है सर ये आपने यू स्ट्रेट यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन यू वांट प्रदीप राय जी को आई नो हिम वेरी वेल तो मैं इनके पर्सनल उस पे मैं आता हूँ कार्यक्रम में और आपको इनकम जाननी है मेरी मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूँ सो इफ यू हैव टू चेक माय बैलेंस शीट गो टू सीबीआई ऑफिस गो टू इनकम टैक्स ऑफिस एंड डोंट बुलशिट हियर सुना आपने कैसे इनकम के सवाल पर अखिलेश यादव गुस्सा गए हालांकि कुशल राजनेता होने के नाते उन्होंने कुछ ही सेकंड में खुद को संभाला और चुटकी लेते हुए सवाल मोदी जी पर ढेल दिया मैं तो चलो अपनी इनकम बताऊं ना बताऊं कभी इनकम उनकी भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हो कि मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा ।2024 लोकसभा चुनाव में यूपी ने जो फैसला सुना है उससे अखिलेश यादव के अंदाज बदले बदले नजर आ रहे हैं वो पूरी आक्रामकता से केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर वो हर सवाल को बीजेपी की तरफ मोड़ देते हैं जैसा यहाँ भी हुआ